दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों? मैं आपको भद्रकाली माता का दर्शन कराने जा रहा हूं, जो बनारस और भदोही मार्ग पर चौरी बाजार से पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बसोही नदी के किनारे में है। मैं दर्शन करके धन्य हो गया और आशा करता हूं कि आप भी भद्रकाली माता का दर्शन कर मनोवांछित फल को प्राप्त करेंगे। ये वही भद्रकाली माता हैं जो भर राजा भद्रसेन को खौलते हुए कढ़ाव में पकने के बाद 64 जुगनियां भक्षण करने के बाद राजा को अमृत से माता जिंदा करती थी और राजा को 125 सोना रोज देती थी, जिसे राजा प्रत्येक दिन याचकों को 125 सोना दान करते थे। परंतु किदवंतियों के आधार पर यहां राजा विक्रमादित्य अमृत की खोज में भद्रसेन राजा के दरबार में रहा करते थे, किंतु राजा को कढ़ाव में खोलते हुए देखकर विक्रमादित्य दुखी हुए और एक दिन राजा विक्रमादित्य स्वयं कढ़ाव में कूदकर पक गए। देवी ने अति प्रसन्न होकर राजा को जिंदा करके वरदान मांगने को कहा। इस पर विक्रमादित्य ने 3 वरदान मांगकर सदा के लिए कूदकर पकने वाली प्रथा को समाप्त कर दिया। 125 सोना जिसे राजा को माता दिया करती थी, वो राजा विक्रमादित्य ने भद्रसेन को दे दिया और राजा से कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं, मुझे अमृत की तलाश थी सो मुझे मिल गया। राजा भद्रसेन आश्चर्यचकित हो गए और राजा विक्रमादित्य को विदाई दी। भद्रकाली माता यहां से विध्याचल चली गईं, परंतु आज भी यहां शनिवार के दिन मेला लगता है। माता का दर्शन कर लोग मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। भद्रकाली माता भरों की ईष्ट देवी हैं। ये किला भर राजा भद्रसेन का है, जो भद्रकाली माता से थोड़ी दूर पर पूरब में स्थित है। किले के पूरब दक्षिण में वरुणा नदी और उत्तर पश्चिम में बसुही नदी है। भद्रकाली माता का मंदिर एवं भर राजा भद्रसेन का किला बनारस, जौनपुर तथा भदोही अर्थात संत रविदास नगर तीनों जिलों की सीमा पर है। राजा का महल खंडहर हो चुका है। यहीं राजा भद्रसेन का महल और दरबार रहा होगा, जहां रोज राजा याचकों को 125 सोना दान करते होंगे। हम यहां की धरती को चरण स्पर्श करते हैं। हे भर राजभर लोगों, आपके पूर्वज कैसे थे और आज आप कैसे हैं? फिर भी हिम्मत मत हारिए। इतिहास को याद करते हुए लगन और परिश्रम से मेहनत कीजिए, फिर आपका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। भर राजा लोग देवी देवताओं में आस्था रखते थे, पूजा अर्चना करते थे, रणभूमि में लड़ाई के मैदान में जाया करते थे। वर्तमान समय में किले पर संत साईं दाता जी ने आश्रम बनवाया है। भदोही से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर गिरिया का कोट है। ये कोट भर राजाओं का है। किले के चारों तरफ खाई है। राजा लोग अपने बचाव के लिए खाई में पानी भरवा कर रखते थे। मुस्लिम शासकों द्वारा खंडित की गई मूर्तियां किले पर आज भी मौजूद हैं। खंडित मूर्तियों को देखकर दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तथा आत्मा रोने लगती है। शंकर भगवान का मंदिर है। इसमें प्राचीन शंकर भगवान की पिंडी है, जो जमीन में अभी भी धसी हुई है। ग्रामीणों ने निकालने की बहुत कोशिश की, मगर पिंडी नहीं निकल पाई। अगल बगल के लोगों ने धन के लालच में यहां खुदाई की, परंतु किदवंतियों के आधार पर लोगों का कहना है कि गड़ा हुआ धन भौरा बनकर उड़ गया। ग्रामीण लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा, और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि सारा धन
हमारे भर राजभर लोगों का है।